भाइयों, एक सामने की दीवार पे एक कबूतर बैठा हुआ है। देखो यार, किसी का नया कबूतर है वो, और जस्ट अब भी आगे बैठा हुआ है। देखो सामने दीवार पे बैठा हुआ है, देखो मैं आपको। और भाई मेरे छत के ऊपर कबूतर भी खुले हैं, देख लीजिए। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। शाम क्या दोस्तों, कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी। और मैं अब इसको कोशिश करता हूँ उतारने की। पता नहीं किस भाई का कबूतर है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी ये कबूतर मेरे पास आ जाएगा तो भाई मैं इस कबूतर को उड़ा दूँगा। इस कबूतर को मेरे पास नहीं रखूँगा, इस कबूतर को मैं भगा दूँगा कभी ये कबूतर मेरे पास आता है तो। अब कोशिश करने में क्या बात है मेरा दोस्त, कोशिश तो करना चाहिए यार। कुछ अपना टाइम पास भी हो जाए, कबूतर भी आ जाए तो कबूतर हम वापस भागा भी देंगे, ठीक है मेरा भाई। वीडियो पूरी देखो आप। अब ये है कि कबूतर आता है या नहीं आता है, अब थोड़ा कोशिश करते हैं। अभी मेरे कबूतर खोलता हूँ बाहर दाना पानी निकालने के लिए, उसके बाद देखते हैं भाई। देख लो अंधेरा भी हो रहा है और लाइटें भी चालू हो गई है। ये ऊपर भी मेरे कबूतर बंद है जाल के अंदर। मेरे को तो यही लग रहा है कि मेरे कबूतर भाई खुले हुए थे। मैंने करीब 5 बजे कबूतर खोल के नीचे चले गया था मैं, और जस्ट अभी मैंने दस नज़र पड़ी मेरी, क्या दीवार पे कबूतर बैठा हुआ है। तो भाई देखते यार कबूतर हाथ में आता है कि नहीं आता, और कभी हाथ में आ गया तो उसको वापस भगा देंगे, कोई टेंशन नहीं दोस्तों। ये देखो मैं आपको डबल से दिखाता हूँ। पहले मैं अपने दोस्तों को कबूतर मैंने खोल दिया हूँ, अब ये दाना। अब दोस्तों क्या होता है कि जब कबूतर भूखा रहता है तो भाई दाने पे आराम से गिर जाता है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, लगभग रात ही हो रही है, और ये जो कबूतर छत पे बैठा हुआ है भाई, कभी दिन भर का भटक कर आऊँगा ना तो ये अपने कबूतर में आराम से आ जाएगा, है ना। ये देखिए सामने भाई, चला आ आ आ आ आ आ आ, आ। ये दोस्त अपने पूरे कबूतर बाहर आ गए। कोशिश करते हैं भाई, चलो आ आ आ आ आ आ आ। बस बैठा है वहाँ पर, देख रहा है कि नीचे आऊँ कि नहीं आऊँ। बड़ी स्टाइल में बैठा है वो भाई। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये कबूतर कभी मेरे पास आ जाएगा ना तो इस कबूतर को मैं उड़ा दूँगा, और आपके सामने ही भाई उड़ाऊँगा मैं इसको। आपके साथ भी वीडियो शेयर करूँगा मैं अली। आप देखते जाओ आता है कि नहीं। अभी तो मेरा भाई रात हो रही है, देख लो आप, लाइट भी चालू हो गई है, और मेरे को वहाँ से टुकड़ टुकड़ देख रहा हो। अरे आ जा मेरे बाबा, एक बार मेरे हाथ में आ जा, फिर तेरे को वापस उड़ा दूँगा मैं। भाई मेरे में क्या है कि असल में मैं उतरे कबूतर रखता नहीं हूँ, मैं भगा देता हूँ कबूतर को। नहीं तो क्या है, मंगने वाले की लाइन लग जाती है घर के ऊपर। अब मान लो ये कबूतर मेरे हाथ में आ गया और मैंने YouTube पे वीडियो अपलोड कर दिया, तो ये मान के चलो 1 महीने तक के लोगों घर पे कबूतर मंगने आएंगे, तो हाथ के साथ पकड़ूंगा, हाथ के साथ भगा दूंगा, टेंशन नहीं होना भाई, है ना। वो तो क्या है, मेरे पास जो हमारा YouTube चैनल से छोटे भाई जुड़े हैं वो भाई कमेंट करके बोलते हैं कि वसीम भाई कबूतर पकड़ने का तरीका बताओ। भाई तरीका यही है कि बस दाना डालो, दाने पे एक भूखा प्यासा होगा तो वो फटाक से आ जाएगा। कोशिश करो, कबूतर आराम से हाथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ आ आ आ, ले आ, आज 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 भैया पर कटा हुआ कबूतर दिख रहा है मेरे को वो। चलो आ आ आ आ आ आ, चमक रहा है वो नीचे आने में। असल में वो असल में क्या है भाई, मेरे हाथ में कैमरा है ना तो इससे भी क्षमा करा भाई, ये कबूतर आगे बैठ गया है मेरे छत के ऊपर। देख लो मेरे कबूतर को बीच में आपको भी दिख रहा हूँ याला, है कि नहीं दोस्तों। अब बड़े प्यार मोहब्बत से इसको पकड़ना होगा, नहीं तो ये भाग जाएगा। हमारी वीडियो में फिर मज़ा नहीं आएगा पब्लिक को देखने में। तो आपको भी कभी कबूतर पकड़ना है तो जहाँ तक कोशिश ये करो कि दाना फेंको, भूखा होगा तो 10 बार दाने पे आके गिरेगा, तो धीरे से उसको घेर लो। अब मेरे हाथ में असल में कैमरा है, अब मैं इसको कैसे पकड़ूँ ये समझ में नहीं आता मेरे को। अब इसको धीरे से घेरना पड़ेगा शायद,
अभी मैं इसको लकड़ी चमका रहा हूँ पाँव से। देखो ये कि धीरे से एक पूरा कबूतर ये इस नए कबूतर को लेके चले आ रहे, तो दूसरे कबूतर भाग रहे यार। अब क्या है कि टीन पे भी कैमरा रख नहीं सकता मेरा भाई, न टीन पे क्या डांस करते हैं, वो जरा से में गिर जाएगा तो नुकसान। चला आह आह आह, धीरे धीरे करता हूँ मैं, थोड़ा दाना हाथ में रख लेता हूँ, दाना डाल के डालता हूँ अंदर, उसके बाद देखते हैं। चला आह 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 आह, एक बार अंदर चले आए पकड़ लूँगा। देखो ये बाहर ही खड़ा है, वो सोच रहा है कि मैं अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। चले जा बेटा अंदर, रात हो रही है, नहीं तो बिल्ली पकड़ लेंगे तेरे को, बोलना मत तो बाद में कि मेरे को पकड़े नहीं। चला चला चला, पूरे चले गए, वो तो बाहर ही खड़ा हुआ है अभी। चला चल 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 चल, ये बात मेरा भाई, वो कबूतर अंदर चले गया है, नया कबूतर अंदर चले गया, बाकी मेरे एक दो कबूतर भारी रह गए वो। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले प्यार मोहब्बत से पकड़ते हैं। ये देखो मेरा भाई, भाई ये कबूतर है जो अभी आया मेरे पास, और इंशाल्लाह अभी तो मेरा भाई रात हो रही है, और इस कबूतर को मैं अभी नहीं उड़ाऊँगा, इस कबूतर को उड़ाऊँगा कल सुबह, और वो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो कल सुबह का आप इंतज़ार करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसी वीडियो में एडिट कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों देख लो मेरा भाई, सुबह का टाइम है कि नहीं, देख लो आप, सुबह का टाइम है मेरा भाई। और कल रात में मैंने एक कबूतर पकड़ा था, तो मेरा भाई मैं कल रात में कभी कबूतर उड़ाता तो यार बिल्ली पकड़ के लेके चल जाती, वो अंधेरे में कहीं ना कहीं जाके गिर जाता, कहीं पर कुछ भी हो जाता। बाकी मैंने उसको रात में नहीं उड़ाया, अभी सुबह का टाइम है, दिन का टाइम है, मैं कबूतर को भगा रहा हूँ। क्योंकि भाई क्या होता है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, नीले कबूतर मैंने पकड़ा था, तो जिस भाई का था मैंने उसको दे दिया, उसके बाद भी मेरे पास वीडियो का था, हालांकि टाइम हो गया अपलोड करने को, बाकी फिर भी मेरे पास बंदे लेने के लिए आते कि भाई कबूतर नीला वाला हमारा था, हमारे को दे दो। तो इससे अच्छा तो ये है कि कबूतर पकड़ो और भगा दो, क्योंकि क्या फर्जी वाला बहुत है आज के ज़माने में, है कि नहीं। अभी ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रही है, अब मेरे खंडवा से काफ़ी भाई जुड़े हुए हैं, है कि नहीं, बड़े भी छोटे भी। अब कोई बड़ा इंसान जुड़ा होगा तो बच्चों को भेज देगा, जा कबूतर वहाँ है ऐसे से कबूतर लेके आ जा। तो इससे अच्छा तो कबूतर उड़ा दो भाई, अपनी वीडियो की वीडियो बन गई। जो हमारे नए भाई है, छोटे भाई है, वो बोलते हैं मेरे को, वसीम भाई कबूतर पकड़ने का तरीका बताओ भाई। ये तरीका बस यही है कि कबूतर दाना पानी पर कबूतर गिरता हमेशा, अपने पास ज़्यादा कबूतर होना, ज़्यादा कबूतर दिखाओ, तो ये है दोस्तों। तो भाई ये कबूतर मेरे हाथ में है, और ये कबूतर को मैं उड़ा रहा हूँ, देख लो भाई, मैंने ये कबूतर को आज़ाद कर दिया हूँ, जा भाई तेरे घर, अब मत आना है।